स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका रोहित क्लासेस पर। और फिर से हम एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने पेश हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत, क्योंकि इससे आपको और हमें प्रिपरेशन का पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। 60% ऑफ 400 का 60%, ठीक है, ये आ गया 2020 कटोगे तो कितना है, 6×24 240 प्लस के परसेंट पता नहीं है, ठीक है ना, ऑफ 280 इजिकल्स टू 296। यहाँ पे ये 280 का कोई नहीं पता हमें और ये 296 के बराबर है। तो यहाँ से 240 इधर माइनस हो जाएगा, तो के परसेंट ऑफ 280 इजिकल्स टू 296 माइनस 240, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 56, ठीक है दोस्तों, कितना 56। यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 56, तो मतलब कि आपको पता नहीं है के परसेंटेज इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 280 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है दोस्तों। ये है कि अभी सीधी बात है कि 56 280 का कितने परसेंट है, बात खत्म। 0 0 2 56 2 20, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20%। ये आपके पास पहले सवाल का आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ रूफीज 3600 एंड प्रॉफिट इतना, उसने 3600 रुपये का, ठीक है दोस्तों, एक आर्टिकल को बेचा है और उसको प्रॉफिट हो गया 20%। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं हम उसका, 0 × 12 = 36, 3000 रुपये का उसको ये आर्टिकल पड़ा है, ठीक है, कॉस्ट 3000 रुपये है सीपी, तो 3150 3150 रुपये का वो बेच रहा है, मतलब 150 रुपया वो कमा रहा है इस पर, तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 2 0 ये हैं यहाँ कट, कितना 15 5, तो उस बंदे को 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो चीज़ को कितना 3150 रुपये में बेचता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर, ठीक है, किसी नंबर से अगर हम 35 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स में से 35 को लेस कर दिया, तो वो बन जाएगा 80x/100, ठीक है, 0 यहाँ कट हो गया, तो ये बन जाएगा 10x - 350, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है, इजिकल्स टू 8x, ये इधर जाएगा माइनस में, तो 2x इजिकल्स टू 350, ठीक है, तो x इजिकल्स टू 350/2, तो कितना आ जाएगा 175, x की वैल्यू निकलाएगी, उसका आपको निकालना है 4/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 5 5 × 15 = 25 5 × 35 = 40, तो 140, ठीक है, 35 × 4 करोगे तो 140, 35 × 4 करोगे तो 140 आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जोकर वेयर्स अ कॉनिकल कैप विद रेडियस 7 cm, हाइट 15, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैप, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपके पास ये, सॉरी कोन, तो 1/3 πr² रहती है वॉल्यूम, ठीक है, 1/3 πr² ये कोन की रहती है, तो 1/3 × π की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ले लेते हैं अपने से 7 × r² 7 और h कितना है 15, 7 7 यहाँ गया, यहाँ 5, ठीक है, 22 × 35, तो 700 770, 770 cm³ आपकी यहाँ पे जो वॉल्यूम है इस कॉनिकल कैप की, जो जोकर ने पहनी हुई है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर ऑफ रेशियो m ratio
वाटर है 3:1। देन व्हाट अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो 20 मिल्क का बोल रहे हैं वो, ठीक है। मिल्क कितना 3, टोटल कितने 3 और 1, 4, 5 और 20, ठीक है, 5 3 15। तो ये मिल्क का आपके पास रेशियो निकल गई है 15, और अगर उसकी निकालनी है तो उसकी 20 × 1/4, 1/5, 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी 5 लीटर का जो ये है आपका दूध है, ठीक है, उसमें जो पानी है वो कितना है, 5 लीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे निकलाएगा 5 लीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 25% ऑफ ये प्लस ये इज इक्वल टू परसेंट ऑफ ये इज इक्वल टू ये, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि 25% 480 का 25, ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं 480 का 25%, 4 120, ठीक है, 120 प्लस 500 का 30, 5 150, ठीक है, प्लस एक्स परसेंट पता नहीं है, ये रखो ऐसे ही यहाँ पे, 900 का 35, 35/100, ठीक है। तो 1 2 0 1 2 0 कैंसिल, 35 × ये बन जाएगा 300 तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 120 और 150 ये आ गया, तो मतलब 270 प्लस उसकी जो भी परसेंटेज रहने वाली है, और 35 × 9, ठीक है 270। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो रखी है हमने, 35 × 9 हो जाते हैं आपके पास 315 − 270, ठीक है, 315 − 270 15 यहाँ से और 30 45, ठीक है 45। तो मतलब कि यहाँ पे बन गया आपके पास कि ये है 45, कि 90 का 45 कितने परसेंट है, ठीक है, 45/90 हो जाएगा इंटू 100, 0 कैंसिल, तो ये 5 × 10 = 50%, ठीक है 50 आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 20, 30, 60 डेज, टोटल ₹3000, फाइंड द इंडिविजुअल शेयर, एक एक का शेयर कितना बन रहा है, ठीक है, ए बी सी कितने कितने दिन में काम करते हैं, 20, 30 और ये 60 दिन लगाता है, तो इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, मान के चलो 1/2, 1/3, 1/6, अब सभी का जो नीचे एलसीएम है ये सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, 6 करना पड़ेगा तो इसका बन जाएगा 3, 3 × 6, ये 2 और 6 × 6, तो नई रेशियो हमें मिल गई 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 में पैसे बटेंगे, 3000 रुपये है तो आधे एक को मिल जाएंगे 1500, फिर को 1000, फिर 500, ए बी सी ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको आपकी जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं एपीसी, इनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है और उसी हिसाब से इनको आपने पैसे हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल देख लीजिए। इफ़ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट ये एंड इट्स अपस्ट्रीम स्पीड इज ये, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, इसके लिए फार्मूले 2 हैं, 1/2 अपस्ट्रीम माइनस नीचे वाली, तो 1/2 कितना आ गया 5, मतलब 5/2, 2.5 किलोमीटर पर आर, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब एक तरीका और भी है, वो क्या है कि 1/2 स्पीड को ऐड कर लो, 16 + 11 कितने हो गए 27/2, ये आ गई 13.5, कि जो बोर्ड की स्पीड
स्टिल वाटर में है, ठीक है, वो 13.5 है जो बोर्ड की स्पीड आई है स्टिल वाटर में। आपको पूछी जा रही है स्ट्रीम की, जैसे मैंने पीछे निकलवाया वो सिंपल मेथड रहता है, वो लगा सकते हो। अगर थोड़ा लॉन्ग में जाना तो ऐसे कर सकते हो। तो 13.5 से 16 जाने में लग रहा है इसको 2.5, और 13.5 से 11 जाने में इसको कितना लग रहा है 2.5। तो मतलब जो नीचे को जाती है तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो आपकी ये पानी बह रहा है, और जब ऊपर को जाती है तो ये इसको अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो आंसर आपका फिर 2.5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको ये? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ फ्रूट डीलर गेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनानास बाय सेलिंग 40 बनानास। अच्छा जी, वो 40 बनाना बेचता है बंदा, ठीक है, और उसको 60 बनाना के पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब उसको फ़ायदा कितना हो गया, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया उसको, और कितने के बेचे उसने, 40 रुपये का। 1 रुपये का एक केला है मान के चलो, उसने 40 रुपये के खरीदे, 60 के बेच दिए, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। 2.50 यहाँ पे उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और उसकी परसेंटेज निकालेंगे सीपी से, तो 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन ये वाला आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में यही सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, तो हम अगली वीडियो में उसको समझा देंगे, या फिर आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए। बाकी आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई टॉपिक आपको आता नहीं है, किसी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स आपको अगर पता नहीं चल रही है, ठीक है, हम बात कंसेप्ट की कर रहे हैं बच्चों, तो अगर नहीं समझ आया कुछ या आपको कोई नई चीज़ चाहिए तो आप बेझिझक हमें यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, और हम आपको हर एक कंसेप्ट पे शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो आपको दे देंगे। बाकी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारे वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।